तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पंजाब के सियासी कले में नून लीग की मजबूत दीवार टूट गई। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें दुरुस्त साबित। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में 12 मतवाले कप्तान की टीम के हामी निकले। चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी जायद वोट ले उड़े। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग को 162 में से 147 वोट मिले। उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए, चौधरी परवेज इलाही रुकन सुबह असम्बली पीपी 30 ने 201 वोट लगा। पंजाब में नून लीग पहले इम्तिहान में नाकाम, कप्तान के लिए मैदान साफ। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की सीटें अपने नाम कर लीं। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब। नून लीग के इकबाल गुज्जर सिर्फ 147 वोट लेकर शिकस्त से दोचार। पीटीआई के दोस्त मजारी 187 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर बन गए। नून लीग के वारिस कल्लू 159 वोट ले सके। हमारे लोग किधर गए ढूंढो, लीगी कयादत को टेंशन पड़ गई। हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक को बागी अरकान को ढूंढने का मिशन सौंप दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर नून लीग का वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं, स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोटों पर डाका डाला गया। नून लीग के कारकुनान को जहाज पर बनी गाला की यात्रा करवाई गई। अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना रुकी तो असेंबली को नहीं चलने देंगे, अपना मुकदमा जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के दो जयाले बागी निकले पंजाब असेंबली में। पीपी के साथ में से दो अरकान ने कयादत से बगावत की। पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्ला बाबर ने शो कॉज नोटिस जारी किया। कयादत फैसले के खिलाफ जाने वाले एमपीए नबील रईस और गजम्फर से जवाब तलब कर लिया। स्पीकर के बाद डेप्टी स्पीकर भी हमारा, नून लीग से पंजाब छिन गया। हुकूमत से बाहर रहने वाले अपोजिशन नहीं कर सकते, नून लीग का वोट बैंक सब ने देख लिया। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की हल्फ बरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आराई। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर गो के नारे लगाते रहे। ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे, मिठाई तकसीम। जमहूरी तरीके से स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। हमने नून लीग की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। नून लीग वाले अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। अवाम के मफाद के लिए अच्छे फैसले करेंगे, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नए पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग की सदाएं। पीटीआई ने हमारे छाबे में हाथ मारा। विफाक की तरह पंजाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। जहाज और एटीएम मशीनों के जरिए अरकान को खरीदा गया। तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की टेढ़ी बुनियाद रखी है, ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हक था। पीटीआई पंजाब में अपोजिशन का मुकाबला अवामी खिदमत से करेगी। हम मेंबराने पंजाब असेंबली को फंड्स नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट के जरिए तरक्याती काम करवाएंगे। नून लीग ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों का इंतखाब करके शिकस्त तस्लीम कर ली। मियां महमूदुर रशीद का ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। आमदन से जायद असासा जात का मामला। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की नैब में पेशी। नैब हुकाम की डेढ़ घंटे तक पूछगिछ। चौधरी परवेज इलाही इजलास में शिरकत के बायस नैब में पेश ना हुए।
गिरफ्तार आहद खान चीमा जेल में बीमार पड़ गए। जेल डॉक्टर की आहद चीमा को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश। एहतसाब अदालत में भी दरखास्त जमा करा दी गई। इंसानियत सोज वाकया, गुजरपुरा में डकैती के दौरान 32 साल खातून से ज्यादती। 3 डाकू नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार। ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। DIG ऑपरेशंस का वाकये का नोटिस। मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल गया। शहजाद अकबर की यकीन दहानी। डॉल्फिन स्क्वाड पीरू समेत दीगर पुलिस फोर्सेज नाकाम। डाकू बेलगाम, डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा। निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरी से 7 लाख रुपए लूटकर फरार। एक हफ्ते बाद भी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। गवाल मंडी में डाकू मुअम्मर खातून से रकम छीनकर रफू चक्कर। वारदातों की CCTV फुटेजेस लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। गुलशन रावी में ATM मशीन पर शहरी से पैसे लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शफीकाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुकामी अदालत का मुलाजिम कत्ल। लवाहे की इनकार। रावी रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। पुलिस हुकाम की मुलजिम गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। पांच मनपसंद कंपनियों पर LDA की नवाजिशात। 5 साल दौरे हुकूमत में 5 कंपनियों को तरक्याती फंड्स का 90% हिस्सा दिया गया। 5 कंपनियों को 79 अरब 75 करोड़ 27 लाख 13 हजार रुपए के ठेके दिए गए। अजीज भट्टी जोन में सफाई के नाकिस इंतजामात। बल्दियाती नुमाइंदे अलबेराक अफसरों के खिलाफ फट पड़े। इजलास में बदमजगी। डेप्टी मेयर ने मुदाखलत करके मामला सुलझाया। मसाइल के हल के लिए माहाना इजलास बुलाने पर इत्तफाक। आजादी की कदर कफस में पर मारते परिंदे से पूछिए, जिसकी आजादी महज 50 रुपए के एवज बाजार में फरोख की जाती है। आजादी की कदर कश्मीर की झील में तैरती लाशों से पूछिए और कश्मीर के उन वासियों से पूछिए जिनको उनकी बेनाई से महरूम कर दिया गया। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे का उनवान। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में तकरीरी मुकाबले। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालिबा महनूर ने दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों का शेड्यूल जारी। दरखास्त फॉर्म की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट और दौड़ 28 अगस्त को होगी। PIA के इंतजामी ओहदों पर तकर्रो तबादले। PIA ने नैयर हयात को चीफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स तायुनात कर दिया। नैयर हयात इससे कबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ओहदे पर तायुनात थे। जनरल मैनेजर बजट असद अब्बास आर्जी तौर पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर। वजन 15 मन, कीमत 16 लाख। सफेद और सुरमई बादल के हर तरफ चर्चे। ईद कुर्बान की आमद आमद। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। मवेशियों के महंगे दाम, ग्राहकों की व्यापारियों से रेट कम करने की तकरार। और शानदार सहाफती खिदमात का एतराफ। इलाक में दुनिया मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर ताहिर बुखारी के एजाज में तकरीब सजाई गई। स्टेज फिल्म और शोबिस की नामवर शख्सियात की शिरकत। ताहिर बुखारी को कल्चरल अवार्ड से भी नवाजा गया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।